2005 में कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत बुंदेलखंड के गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए 20,000 रुपया अनुदान दिया जाना था। लेकिन इस योजना से गरीबों को लाभ के अलावे परेशानियां ही मिल रही हैं। कब शादी किए थे और शादी अनुदान का फॉर्म? 4 जून की थी पिछले साल। तो पैसे कुछ नहीं मिला अभी, न कोई तालुका थे, न हम कई बार गए सचिव के पास तो हमने कागज जमा कर दिया है, हम तो वो नहीं, तो बस बैठे थे, क्या करें। कितनी बार आपको जाना पड़ा और कहाँ कहाँ जाना पड़ा? हम वहाँ गए बजट है ब्लाक गए, यहाँ कागज यहाँ वो थे, यहाँ विकास भवन। 10 जून के पहले हमने ऑनलाइन करा दिया था और 12 जून को हमने बड़ोखर ब्लॉक में जमा कर दिया और वहाँ से हमने अभी चेक कराया है तो जो है समाज कल्याण विभाग में वहाँ भी फार्म हमारा पहुँचा नहीं। वो फार्म पड़ा है अभी तक हमें कुछ जानकारी नहीं भाई, ये ऑनलाइन करवाया, सब पूरे कागज जमा किए, सचिव ने मंगाया, सचिव के पास जमा किए, सचिव कह रहा है कि हम जमा कर दिया है, विकास भवन जाओ। अब विकास भवन में पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है कि कौन बाबू है कौन का है, तो वो सचिव हमें घुमा रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। शादी अनुदान के आवेदन करने के तरीके बदले, पहले ऑफलाइन होता था पर अब ऑनलाइन होने लगा, लेकिन हालात जस के तस रहे। वहाँ के गए कह रहे थे ये बाबू के लगे जाइए, वो बाबू के लगे जाइए, ये बाबू के लगे जाइए, हमें क्यों तुमने फार्म नहीं दिया, हमें कैसा तुमने नहीं बताया, सचिव के पास कैसे भेज दिया, ऐसे कह रहे थे साहब लोग। कितना मांग रहे? अभी ऐसे नहीं खोला है कि कितना मांग रहे, बोल रहे थे कि खर्चा पानी चाहिए तो तुम्हारा पैसा मतलब नहीं है। 15 बार विकास भवन जा चुके, 2-3 बार ब्लॉक जा चुके, परेशान कर रहे थे, बोले अभी नहीं आया है, फिर मिलेगा अगले महीने में, फिर बोले दूसरे महीने में, ऐसे ढीला ढाली डाले रहे। तो कितना इसमें खर्चा आया है आपका? अब 5-7 बार गए, अब उसका खर्चा जोड़ो कम से कम, मैं अपने हाथ से 5-6 हजार तो यही इनका दे चुकी हूँ, जब मैं अपने आप गए तो मैं अलग खर्चा। लगभग वैसे तो 3 महीने तो आवेदन की जमा करने की वैधता है उसकी, ऑनलाइन करने की, ऑनलाइन की वैधता होने के बाद में लाभार्थी जो है जैसे नहीं जमा कर पाता है, और यह जमा भी कर दिया तो जमा करने के बावजूद उसकी जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जांच प्रक्रिया होने पर ही जो है लाभार्थी अगर यदि मोबाइल नंबर देता है तो मोबाइल नंबर में मैसेज आ जाती है। अब इसके लिए तो विभाग ही बता पाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। आंकड़ों की माने तो 2016-17 में बांदा जिले में सामान्य जाति के 530 आवेदन आए, लेकिन विभाग का लक्ष्य तो 195 ही था। वहीं अनुसूचित जाति के आवेदन 2,959 थे, पर लाभ 899 को ही दिया गया। अब बाकी के लोग तो विभागों के चक्कर ही लगाएंगे। इसके बावजूद बांदा के समाज कल्याण अधिकारी की बात सुनी आपने। शादी अनुदान का फार्म आ रहे हैं इस साल के, और इस साल के जितने फार्म आ रहे हैं वीडियोज को भेजा जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी इस बार कि तत्काल हम लोगों को वापस आ जाए। और पर डे समीक्षा हम करते हैं कि इतने फार्म आपके पोर्टल में हैं और सभी वीडियोज को पर डे और SDM साहब को भी दिया जाता है, चाहे वो पारिवारिक लाभ का हो चाहे शादी अनुदान का, और सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अच्छा परिणाम मैं दूंगा क्योंकि मैं हूँ, अच्छा परिणाम। समय और सरकार बदलती रहती है, लेकिन इन सब बदलावों के बीच अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है लोगों के हालात। कई योजनाएं आती और चली जाती हैं, लेकिन लोग घुसखोरी और घपलेबाजी के बीच फंसे रह जाते हैं।